करते हैं। मधुपुर सीट को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मास्टर स्ट्रोक के बाद अब बीजेपी भी मास्टर स्ट्रोक की तैयारी में। क्या है बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक, समझिए देखिए इस रिपोर्ट में। जेएमएम विधायक हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद मधुपुर विधानसभा सीट को लेकर होने जा रहा उपचुनाव कई मायनों में दिलचस्प होने वाला है। विपक्षी दल बीजेपी के साथ साथ एनडीए की सहयोगी आसू की भी सीट पर नजर है। आसू ने सीट पर अभी से ही अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। हाल ही में आसू ने यहां एक बड़ा सम्मेलन और केंद्रीय कमेटी की बैठक भी की। आसू के इसी बढ़े हुए सक्रियता को देखते हुए बीजेपी मधुपुर को लेकर अपना मास्टर स्टॉक तैयार कर रही है। आसू के गंगा नारायण, जिनको पिछले विधानसभा चुनाव में 45,620 वोट मिले थे, मधुपुर से भाजपा के प्रत्याशी हो सकते हैं। हालांकि सवाल पर बीजेपी और आसू फिलहाल दोनों दल खामोश है। दरअसल यह फार्मूला इसलिए ताकि एनडीए का वोट न बिखरे। उम्मीदवार एक हुआ तो झामुमो प्रत्याशी को आसानी से परास्त किया जा सकता है। जानते हैं समय आ जाएगा तो उम्मीदवार भी घोषित हो जाएंगे और पार्टी इसको मजबूती के साथ लड़ेगी भी और चुनाव जीतेगी भी। इसलिए एक तो अभी चुनाव आयोग ने घोषणा भी नहीं की है, डेट भी नहीं आया है, लेकिन जो संभावना है 6 महीना के अंदर उसको होना है तो आप सब जान रहे हैं कि होना उसका तय है। लोगों ने वहाँ पर अपना जो हमारे प्रत्याशी थे उनका जो विश्वास मत मिला पिछले बार, उसको लेकर के सम्मेलन किया और हम स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि मिल बैठ करके जल्द ही इस पर निर्णय होना चाहिए, जल्द ही सामने आएगा कि क्या हुआ बातचीत। दुमका और बेरमो उपचुनाव में बीजेपी को मिली शिकस्त के बाद आसू की तरफ से यह जरूर कहा जा रहा है कि मधुपुर सीट को लेकर प्रत्याशी के नाम की घोषणा अब जल्द हो जानी चाहिए। वहीं बीजेपी आसू को यह भरोसा दे रहा है कि प्रत्याशी जो भी होगा एनडीए का होगा। और मैंने कहा ना कि हमारा जो प्रदेश नेतृत्व है और केंद्रीय नेतृत्व है, पिछले उपचुनाव को भी एनडीए साथ मिलकर के लड़ा और यह उपचुनाव भी एनडीए साथ मिलकर के लड़ेगा, इतनी मैं बात अभी कह सकता हूँ। और बाकी केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व और एनडीए का जो नेतृत्व है वो बैठ करके कौन उम्मीदवार हो, कौन जीत सकता है, हम कैसे अपने विरोधी को परास्त करें, ये सारी चीज़ों पर गंभीरतापूर्वक विचार करके पार्टी निर्णय लेगी। कहेंगे कि जिस तरह से दो दो जगहों पे एनडीए ने मात खाया है, इस बार मात ना खाए, ये इस पहला हम लोग को आधार बनाना चाहिए। मधुपुर सीट पर भले ही बीजेपी और आसू दोनों एनडीए के उम्मीदवार होने का दावा कर रही हो, लेकिन इस सीट पर जिस तरह से आसू ने अभी से ही अपनी सक्रियता बढ़ा दी है, संकेत साफ है कि आसू मधुपुर सीट पर चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है। राज्यसभा चुनाव की बात करें या फिर हाल ही में हुए दो उपचुनाव की, आसू ने बीजेपी का साथ दिया था, लिहाजा इस साथ के बदले आसू को हो सकता है मधुपुर सीट पर बीजेपी का साथ मिल जाए। हालांकि एक नए फार्मूले के तहत मधुपुर सीट पर प्रत्याशी आसू का ही होगा, लेकिन आसू प्रत्याशी गंगा नारायण बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं। रांची से कैमरामैन अभय प्रसाद के साथ न्यूज 11 भारत के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। और झारखंड सरकार